कोरोना की दूसरी लहर ने मुल्क का जो हाल किया था उसकी तस्वीर अब भी शायद लोगों के जहन से जा चुकी है। अगर कहीं कोई तस्वीर है भी तो शायद लोगों ने उन्हें देखना ही बंद कर दिया है। तभी तो तीसरी लहर को दावत देने के लिए खूब लापरवाही की जा रही। मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक जहां भी आप देखेंगे हर तरफ लापरवाही आपको उरूज पर दिखाई देगी। दिल्ली हो या भोपाल हो या फिर कोई और बड़ा शहर, बाजारों में लोगों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही, लेकिन पहाड़ों पर तो इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली तस्वीर सामने आ रही है। सयाहों की तादाद में कोई कमी नजर नहीं आ रही। सरकार की अपील का असर भी ना के बराबर दिखाई दे रहा है। परेशानी यही है कि लोग तीसरी लहर के खतरे को मुसलसल नजरअंदाज कर रहे हैं और ये लापरवाही कितनी खतरनाक साबित हो सकती है इसका किसी को अंदाजा भी नहीं है। कोरोना की तीसरी लहर को इनविटेशन, लापरवाही में नहीं दिख रही कोई कमी। मैदान से पहाड़ों तक जवाबित की खिलाफ वर्जी। आखिर कब अपनी जिम्मेदारी समझेंगे लोग? कोरोना की दूसरी लहर ने मुल्क का जो हाल किया था उसकी हर एक तस्वीर आज भी आपको हैरान कर सकती है। कितनों के अपने और कितनों के तो परिवार ही उजड़ गए। तब कोई नहीं जानता था कि पहली लहर के कमजोर होने पर जो लापरवाही दिखाई गई उसका खामियाजा इतना ज्यादा होगा। और लोगों से अपील की गई कि अब दूसरी लहर के कमजोर होने पर वैसी लापरवाहियां ना दिखाई जाएं। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है ये समझने के लिए इन तस्वीर को देखिए। देखने से आपको लगेगा ही नहीं कि तीसरी लहर को लेकर कोई खास फिक्र लोगों के मन में है, बल्कि लोग तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने खो गए हैं कि वो दूसरी लहर के इस खौफनाक वक्त को भूल ही गए हैं। भीड़ की तादाद दिन ब दिन बाजारों में बढ़ती ही जा रही है और इस भीड़ में कोरोना से बचने के लिए बनाए गए जाब्ते कहीं खो गए। ना मास्क दिखता है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग। जवाबित की अनदेखी ऐसी की जा रही है जैसे कोरोना ने लोगों से खुद कहा हो कि मैं हिंदुस्तान छोड़कर जा रहा हूँ। दिल्ली में जाब्तों की अनदेखी की सजा कई बाजारों को मिल चुकी है, लेकिन बाजारों के खुलने के बाद लापरवाही फिर से शुरू हो जाती है। भाई मास्क नहीं लगा रखा यार आपने? लगा तो रखा हूँ यार। नहीं यार, कैमरे को देख के लगाया यार मास्क। क्यों नहीं लगाया मास्क? लगा तो रखे हैं यार। सर मास्क नहीं लगा रखा आपने? अरे सॉरी सर, थोड़ा पसीना आ गया था इसलिए आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। हेलो भाई, मास्क कैसे नीचे रखा है आपने? बातें कर रहे थे। बात कर रहे थे इसलिए मुझे क्या था भैया? सॉरी, इतना अभी हमने पानी पिया है बस, तो हम भूल गए थे। भूल गए थे। हाँ जी। मास्क नहीं पहन रखा आपने? अरे वो पास वहाँ पे गिर गया था, रिक्शे में। हाँ? रिक्शे में गिर गया था। रिक्शे में रह गया, इसलिए नहीं पहना आपने मास्क? दुपट्टा है। अब लोगों को ये कैसे समझाया जाए कि कोरोना इस तरह के बहाने नहीं सुनेगा, उसे तो बस आपकी लापरवाही का इंतजार है। इधर आपने लापरवाही की और उधर कोरोना ने अपना असर दिखाया। अब एक झलक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की भी देख लीजिए। यहाँ भी बाजारों में लोग बेपरवाह होकर निकल रहे हैं। लापरवाही तो यहाँ दिल्ली से भी ज्यादा ही दिख रही है। सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात, लोगों के मुंह पर मास्क तक नहीं दिख रहा है। जाब्तों की अनदेखी कितनी भारी पड़ती है उसका नतीजा दूसरी लहर के वक्त लोगों ने देख लिया है। दूसरी जानिब मुल्क में कोरोना के नए वेरिएंट भी डिटेक्ट हो रहे हैं। ऐसे में लोगों की ये लापरवाही तीसरी लहर को कितना खतरनाक बना देगी इसका तो हम और आप सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। लोगों के लिए समझना जरूरी है कि जाब्ते सरकार बनाएगी, लेकिन उनकी पासदारी करना लोगों के हाथों में, वरना तीसरी लहर के खतरे से बचना नामुमकिन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।